सर एक सवाल है, पहला सवाल कि एक आपका डायलॉग है छोटा शहर का जो है ना, एक एक्सपायरी डेट होता है, पूरा डायलॉग जरा बताइए। डायलॉग ये है कि छोटा शहर का ना अपना एक्सपायरी डेट होता है, वक्त पे कट लो वरना कट जाता है। तो वाकई अगर छोटे शहर से अगर हम सब बाहर नहीं निकले होते तो हम कुछ और होते। बिल्कुल, तो क्योंकि अगर वहाँ रिसोर्सेज होता, चीज़ें होती, तो हम वो कर रहे होते जो हम करना चाहते हैं। तो हम चाहत में ही तो बाहर निकले हैं छोटे शहर से। अच्छा, ये जो डायलॉग है छोटा शहर का ना अपना एक एक्सपायरी डेट होता है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा, तो जब ये डायलॉग आप बोल रहे थे तो आप बिहार से आते हैं मुंबई, सफ़र तय करते हैं, वो आपको एक फील तो आ रहा होगा ना कि यार हम बिहार के हैं, और जब ये डायलॉग आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार छोटे शहर से हैं बाहर जाते हैं, तो कैसा फील होता है? मतलब गाँव वाले लोग फ़ोन करते होंगे, पुनः तुम तो एकदम तहलका मचा दियो, भौकाल मचा दियो बिहार के भाषा में अगर बोलें, कैसा फील होता है? अभी तो कुछ और फील हो रहा है कि ये अलग फील है। अब आपको सम्मान दिया जा रहा है कि तू तो बहुत नाम का दिला। तो पहले भी होते ना वो चार लोग, वो जिंदगी में चार लोग जो कुछ ना कुछ कहते हैं कि भाई ये फलनवा ने तो प्रॉपर्टी बेच दिया, ये इस लाइन में चले गए, उस लाइन में चले गए। तो वो ज़्यादातर आपकी मीन में निकालने में ज़्यादातर दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन मुझे पता है मैं स्वभाव से थोड़ा ज़िद्दी रहा हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है। मतलब बहुत दिलचस्प है एक मोमेंट कि मेरी माँ मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा तो क्या करें? ये मैंने सुना है, ये मैं सवाल करने वाली थी आपसे, मैंने बात आगे रखिएगा। आप तो एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें आप बोल रहे थे कि आपकी माँ ने आपको कॉल किया था, हो पाएगा नहीं कर पाओगे तो आ जाओ, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था? नहीं, उन्होंने कहा कि यार तो हो नहीं रहा है उम्र, मतलब समझ रहे हैं ना, उम्र के बिहार में बहुत होता है, उनके अहम पड़ाव पे हैं। हाँ, आपकी शादी की बातचीत हो रही है, अब तो कोई शादी भी नहीं करेगा, एक्टर है और बाकी चीजें जो कही जाती है इंडस्ट्री के बारे में। तो उनका यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ, कुछ और कर देंगे, पिताजी रेलवे में हैं, हो सकता है सिक लीव लेके कुछ करके तुम्हारी नौकरी दे देंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि पिता की नौकरी मैं क्यों करूं, अनुकंपा के आधार पर भी अगर करूं तो अपने आप में बहुत लगता है ना दिल पे। तो ऐसी बात कही तो उन्होंने कहा कि देखो माँ, मुझे ना अपने आप पर बहुत भरोसा है, क्या तुम्हें अपने बच्चे पर भरोसा है? अगर है तो आज बता दो हाँ या ना। तो कुछ समय लिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि हाँ है, भरोसा है। तो भरोसा है तो करो ना फिर। मैं कुछ चीज़ों के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, अगर कुछ हुआ तो ज़िंदगी बदल जाएगी, और मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, खुश हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो तुमको भी खुश रहना होगा ना। वो चार लोगों की बातों में आके आप मुझे कुछ और कह रहे हो तो फिर मेरा भी एक फोकस अलग हो जाता है। आपने बोला कि मम्मी ने आपको सपोर्ट किया, फ़ोन पे सपोर्ट किया आपने, फिर उनको कन्विंस कर लिया। पापा का सपोर्ट रहा पूरे फैमिली में, जो फैमिली का है कि मतलब हाँ लड़का जा रहा है उसको आगे बढ़ाना है, कि चलो यार हम सपोर्ट करते हैं उसको, बिहार का नाम रोशन करेगा आगे जाके, संदीप भैया में जा रहा है, डायलॉग बोल रहा है, इससे बड़ा क्या उपलब्धि है? तो ऐसा कुछ हुआ परिवार से, कुछ मिला हो मम्मी के अलावा, पापा भाई बहन? नहीं, सपोर्ट तो है फैमिली का, बट यही है कि वो जिस तरीके से आते हैं ना, उनको बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए। मुझे पता है व्हाट इट टेक्स टू, मतलब क्या लगता है, क्या चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट की समझ उतनी इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। उनको तो बहुत थोड़ा इंस्टेंट चाहिए कि भाई इतने टाइम में इतनी सेविंग हो जाने चाहिए, इतना पैसा, वो खास तरीके से चीज़ों को देखते हैं। अब वो बाकायदा उस वक्त तो था नहीं, तो उन्हीं चक्करों में, उन्हीं वजह से वो चिंतित रहते थे मेरे बारे में। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि माता पिता आपके चाहते थे कि यार इतना वेस्ट क्यों करना है पैसा, आमतौर पर देखते हैं ना हम लोग गाँव में, तो तुम कहे इतना पैसा करोगे, तुम क्यों इतना करोगी, खर्च करोगी, हमारे यहाँ ऐसा होता है बिहार में। तो आपके पापा ने, जैसे आपके पापा मैंने बोला होगा कि फिल्म में नहीं जाना है, मतलब वो उतना बड़ा शो नहीं करना है, उतने बड़े शो में तुम्हें जाना नहीं है, तो ये सिचुएशन आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? जैसे देखते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करेंगे हम, कि लाल बत्ती का क्रेज है पूरे बिहार में, मतलब यूपीएससी का मतलब बिहार है, कि बिहार के जितने बच्चे सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। तो इसमें आपको लगता होगा ना यार कि मतलब पापा मम्मी अलग सोचते हैं, हम सोच रहे हैं कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए, हम कैसे करेंगे, क्योंकि पटना से मान के चले बिहार से दिल्ली का सफर हम कर रहे हैं, मुंबई तक आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्टीज आती है, कैसे देखते हैं इसको? डिफिकल्टी तो है ही, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि अगर आप बहुत ज़िद्दी हैं, आपको करना ही यही है। मैं बार बार एक ही चीज़ कोट करता हूँ अमीर खुसरो की लाइन की, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो अगर प्यार करते हैं, अगर एक्टिंग से वाकई आपको प्यार है, तो आप उतरने की कोशिश मत कीजिए ना कि उतर के फिर आप चले जाएं किनारे पे, आप डूबिए, फिर पार तो लग ही जाएंगे।